पाना है और अपने अधिकारों को पाना है। आपकी एक एक वोट आपकी साइकिल के निशान पर डलेगी। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का मान ऊपर जाएगा और उनके सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं सभी भाइयों से कहूंगी कि उस अपराध का बदला लेने का समय आ गया है। जो आप लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं उन सबका हमें हिसाब लेना है। आज माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में है। एक जनरल सीट पे एक एससी की बेटी को जो टिकट देके उन्होंने इतना महान काम किया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस टिकट के बदले आपको यहाँ से इस एहसान का बदला उतारने के लिए आपको यहाँ से सुनीता वर्मा को जिताना है और साइकिल के सामने वाला बटन दबाना है। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि 26 तारीख भूल न जाना और एक एक वोट साइकिल के सामने वाला दबाना। जय भीम, जय भारत, जय समान भारत। और हमारे भाई आदर्श जी, सम्मानित मंच, बहुत सारे नेता हमारे मंच पर बैठे हैं, सभी का नाम लूंगा, समय बीत जाएगा और थोड़ा सा समय मिला है। साथियों, यहाँ मेरी पत्नी सुनीता वर्मा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन ने, जो कांग्रेस के हमारे अवनीश कादरा जी जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे अंकुश चौधरी जी बैठे हैं, गठबंधन ने मेरी पत्नी सुनीता वर्मा को अखिलेश यादव दोनों हाथ उठाके समाजवादी पार्टी के भाई क्या कर हमारी पार्टी के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष चौधरी आदित्य, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष विपिन चौधरी जी इस चुनावी जनसभा में और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे शाहिद मंजूर साहब, पार्टी के विधायक हमारे रफी अंसारी जी, विधायक अतुल प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओ भैया अवनीश ताजला जी, साइड कर ले थे आप, पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, जाहिद अंसारी जी, अंकित गिरी जी, बबलू प्रधान, प्रदीप कसाना जी, राकेश यादव, ओमपाल गुंडा जी, रुद्रसेन जी, अरविंद सेन जी, मुखिया गुजर जी, विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक मनोज गुजर जी, राजपाल सिंह जी, पार्टी के पुराने अध्यक्ष अब्बास इसरार सैफी, हमारी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी, शकील सहीसा, अब्बास भाई और पार्टी की जब सरकार थी उसमें मंत्री आयुब अंसारी जी और बहुत सारे नेता हैं। मैं जनवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता मुझे चुनावी जनसभा में दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहाँ ये चुनाव जनसभा हो रही है, आसपास न कोई कॉलोनी दिखाई दे रही है, न कोई ऐसा बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को
अपना ऐतिहासिक वोट दे करके जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करना। मुझे याद है कि मेरठ की टिकट को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, मेरठ की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। न केवल हमारे दल में उसकी चर्चा थी बल्कि जो दूसरा दल है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा रही, लेकिन अंततः हमारे तमाम साथियों ने सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों ने ये जानकारी दी कि अगर आप सुनीता वर्मा जी को यहाँ से जिता लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट करके जीत करके जाएंगे। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके पर्चे किए और इनका पर्चे नहीं होना है सब आप लोग जानते हैं, इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं। और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था, मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था, ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। ये पलटने वाली हवा ठीक नहीं थी पहले चरण की, और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है, और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। अरे खड़ा रहे चुपचाप। यहाँ के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है, आजादी का आंदोलन जब जब चला यहाँ के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे आप लोग? बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं, इनके 10 साल का हिसाब किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं तो हमारे किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत बनाए, अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे उस समय यहाँ के और खासकर पश्चिम के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस, ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरने देती थी। लेकिन यहाँ का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान और देश का किसान उससे घबराया नहीं, वो लड़ता रहा, सालों साल बैठा रहा, लेकिन किसानों ने आंदोलन को नहीं छोड़ा और अंततः सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। 3 काले कानून वापस हो गए, आज भी किसान आंदोलन कर रहा है।
वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है। एमएसपी को लेकर के कानूनी अधिकार मिले किसानों को, लेकिन ये सरकार अभी भी सुन नहीं रही है। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, बात मेरे पास नहीं, जीतेगा तो हमारे किसानों को एमएसपी का अधिकार देकर के उनको खुशहाल बनाने का काम होगा। जो लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं मिटेगी, हम उसे कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, गरीबी अपने आप मिटना शुरू हो जाएगी। गरीब खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, तो गरीबी भी मिट जाएगी। जिस सरकार ने किसान को धोखा दिया हो और नौजवान जिसकी सरकार में परेशान रहा हो, वो सरकार बचेगी कैसे? हमारे नौजवानों को याद होगा, ये नौजवान पढ़ लिख करके मेहनत करके कोचिंग कर करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब भी सरकार ने परीक्षा लिखाई और परीक्षा की तारीख दी, लेकिन जैसे ही परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं सरकार ने कराई सबके पेपर लीक हुए हैं। लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, और जब आखिरी में भी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, बड़े पैमाने पे नौजवान निकल करके परीक्षा देकर के आए थे, लाख और लाख पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने गए थे, लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। हमारे नौजवान सड़कों पे आ गए। मैं उन दिनों जहां भी गया, नौजवान परीक्षा रद्द करना चाहते थे, परीक्षा रद्द हो उसके लिए निकल पड़े थे, सरकार को स्वीकार करना पड़ा। पहले चरण में भारी मतदान से समाजवादी पार्टी काफी अभिभूत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरे चरण के मतदान के लिए सुनीता वर्मा की जनसभा को मेरठ में संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा गठबंधन पर खुलकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अभी तो बीजेपी ने सेना की 4 साल की नौकरी की है, और अब ये दोबारा आई तो पुलिस की 3 साल की नौकरी कर देगी। मैं शिवम कनौजिया के साथ अंसर पाशा, जनवरी न्यूज।